बजाज फिंसर्व यहां पर आज रखे नजर और अपने म्यूचुअल फंड कारोबार का लॉन्च करने जा रहा है। आज 11 बजे है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो देखते हैं किस तरह के प्लान सामने आते हैं। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मई का अपडेट शानदार रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम्स 8% बढ़े हैं। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के वॉल्यूम्स 13% बढ़े हैं। डे अहेड मार्केट के वॉल्यूम्स और बढ़िया 26% बढ़कर आए। अच्छा अपडेट IEX की तरफ से। BL कश्यप, इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलने का सिलसिला जारी है और 147 करोड़ का एक और ऑर्डर मिला है कंपनी को सिविल वर्क के कंस्ट्रक्शन के लिए। पोर्ट कंपनीज पर रखिए नजर, क्योंकि मई के महीने में पोर्ट्स में जो कार्गो ट्रैफिक है वो साल दर साल 3.25% बढ़कर आया है। कुल ट्रैफिक 68 मिलियन टन का मेट्रिक टन का होते हुए दिखा है। अच्छा अपडेट आया है। MTR टेक्नोलॉजीज लगातार यहाँ पर फंड्स की तरफ से बिकवाली होती दिख रही है और प्रोमोटर्स की तरफ से बिकवाली हो रही है और फंड्स की तरफ से खरीदारी। और कल के सेशन में 3 प्रोमोटर्स, इन्होंने 11 लाख शेयर करीबन 4.25% हिस्सेदारी बेची है। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट, इस फंड ने करीबन 4.25% हिस्सेदारी खरीदी। याद रहे जो प्रोमोटर्स बेच रहे वो नॉन ऑपरेशनल प्रोमोटर्स हैं, यानी कि डे टू डे एक्टिविटी में ये प्रोमोटर्स नहीं है, तो ये निकलना चाहते हैं। विजय डायग्नोस्टिक, थोड़ा फंड एक्शन यहाँ पर हुआ है। फिडेलिटी ने करीब 12 लाख शेयर्स बेचे हैं, 1.25% हिस्सेदारी इन्होंने अपनी बेची है 383 के भाव पर, इसको भी अपने रेडार पर रखें। बेल एक और डाउनग्रेड, और इस बार डाउनग्रेड आया है न्योमुरा की तरफ से और इन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी है और टारगेट घटाया है 79 से घटाकर 61 रुपए। स्टॉक उससे कहीं ऊपर, देखो घटता तो है नहीं, आज देखते क्या होता है। PVR ये भी इंटरेस्टिंग है, बंसल जी बात भी कर रहे थे। यहाँ पर UBS ने बाय रेटिंग रखी है बट टारगेट काटा है, 2300 से टारगेट काटकर 1950 का किया है, तो ये भी रेडार पर रखा है। पावर कंपनियां एक्शन में है ही और गर्मियों में पावर की डिमांड बड़ी जबरदस्त है और जेफरीज दिग्गज FI ने 3 पावर कंपनियों के टारगेट्स बढ़ाए हैं। पहले पावर ग्रिड, जहां पर टारगेट पहले 260 था, बढ़ाकर कर दिया है 275। करंट मार्केट प्राइस से काफी ऊपर 235 है अभी। NTPC एक और स्टॉक है जहां 175 का दाम है अभी, लेकिन टारगेट 195 से बढ़ाकर किया है 205 रुपए। JSW एनर्जी यहां पर 315 से बढ़ाकर टारगेट 325, अभी का भाव 250 के आसपास है। तो 3 इन कंपनियों पर जेफरीज के अपग्रेड्स टारगेट के लिहाज से। और इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी रेडार पर रखें। नोमोरा ने कई इंफ्रा कंपनीज पर टारगेट बढ़ाए हैं। PNC इंफ्रा यहां पर 370 का 375 कर दिया है। KNR कंस्ट्रक्शंस यहां का 256 से बढ़ाकर 265 के किया है, तो ये भी रेडार पर रहने चाहिए। ये हैं आपके आज के टॉप 10 स्टॉक्स।